हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेश डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने तालाब में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसको कैसे आप प्राकृतिक रूप से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए मछली पालन के लिए। तो अगर आपके तालाब में 5 ppm अगर ऑक्सीजन की मात्रा है ना, 5 ppm का मतलब है 5 parts per million। इसको आप वाटर टेस्टिंग किट जब आप खरीदेंगे जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा नापी जाती है जिस किट की मदद से, उसमें इसमें जो रीडिंग मैं बता रहा हूं वो उसमें लिखा रहता है। अगर आप उसको टेस्ट करेंगे पानी को, अपने तालाब के पानी को, तो वो 5 ppm से अगर लेवल तक है या फिर उससे ज़्यादा है तो आपके तालाब में ऑक्सीजन की बहुत ही अच्छी मात्रा है। लेकिन अगर वो 3 ppm से नीचे चली जाती है तब वो मछली पालन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत सामने आती है। 3 तक तो मछली जिंदा रहेगी, लेकिन जैसे 2 से और नीचे जाएगी मतलब मछलियां हैं मरना शुरू हो जाती है। 3 तक मछलियां सरवाइव कर जाएंगी, IMC मछलियां, लेकिन जैसे ही 3 से नीचे चली जाती हैं मछलियां हैं वो सफोकेट होके ऊपर आना शुरू हो जाती हैं, तब आपको समझ जाना है कि तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा हो रही है। इसका ऑक्सीजन की मात्रा कम होने का कारण ये होता है कि अगर आपके तालाब में जो कीचड़ है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा तालाब में फिट डाल रहे हैं और उससे तालाब के निचले हिस्से में कीचड़ है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है, और उस कीचड़ में बैक्टीरिया मिलती है जो ऑक्सीजन को ज़्यादा खपत करती है, क्योंकि उसको जो हम लोग फिट वगैरह डालते हैं तालाब में उसको तोड़ने के लिए बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, खाद ऑक्सीजन को लेता है, जिसकी वजह से तालाब में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, और तब आपकी मछलियाँ हैं वो तालाब के सरफेस में आकर के वो सफोकेट होकर के गैस्पिंग करने लगती है, मुँह को ऊपर ला करके, तालाब के पानी के ऊपर ला करके मुँह को, है ना, करने लगती है। तब आपको समझ जाना है कि तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है। अब उपाय की बात करें, सबसे पहला उपाय है अगर आपके पास एरिएटर की सुविधा है। एरिएटर आपने देखा होगा 2 HP का, वो एरिएटर आप पर एकड़ अगर आपके पास 1 से 2 एरिएटर है तो वो सफिशियंट होता है। एरिएटर आपकी प्राइस की बात करें तो 30,000 से शुरू होती है, और ये अच्छी कंपनी का एरिएटर लेंगे तो 35,000-40,000 तक में आसानी से आ जाती है। तो अगर आप तालाब में कमर्शियल रूप से मछली पालन कर रहे हैं तो आपको जो एरिएटर है, खासकर जिसको पैडल व्हील एरिएटर कहा जाता है, उसको आपको डेफिनेटली अपने तालाब में इंस्टॉल करना चाहिए। पर एकड़ 2 HP का 2 भी एरिएटर है, 2 तो काफ़ी है। दूसरा तरीका हो सकता है दोस्तों, आप जो हम लोग तालाब में पानी डालते हैं उसको अगर सावर के रूप में तालाब में छोड़ा जाए तो आप एक काम करिए, जो पानी डाला जाता है उसका जो सावर होता है पाइप में उसको फिट कर दीजिए, और उसको कोशिश करिए कि तालाब के ऊपरी हिस्से से आप उसको अपने तालाब में गिराइए, और एक ही धारा के रूप में ना गिरा करके उसको अगर हम लोग अलग अलग बांट दें, किसी चीज़ से उसको बांध दें और उस अलग अलग छेद से अगर पानी को हम लोग तालाब में गिराएं तो ऑक्सीजन की बहुत ही अच्छी मात्रा है वो पानी में घुल करके आपके तालाब में पहुंच सकती है। तो ये एक देसी जुगाड़ हुआ। दूसरा जुगाड़ ये हो सकता है कि अगर आप एक डंडे की सहायता से तालाब के ऊपरी हिस्से को अगर मारेंगे, है ना, तो उससे क्या होता है, जैसे ही पानी ऊपर उछलेगा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घुल करके तालाब में जा सकती है। लेकिन अगर बड़ा तालाब है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर का तालाब है, तो उसमें आपको डेफिनेटली अपने तालाब में एरिएटर जरूर आपको लगाना है। छोटा तालाब है, 0.5 एकड़ का तालाब है, तो उसमें आप डंडे की सहायता से पानी जो तालाब का ऊपरी हिस्सा होता है उसको डंडे से मार करके आप उसको जो जैसे ही पानी ऊपर उछलेगा उसमें ऑक्सीजन है वो घुल करके मिक्स होकर के तालाब में जाएगी, जिससे आपके तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सकती है। तीसरा तरीका हो सकता है, जो गाय बैल हो गया उसको आप अपने तालाब में कुदवा सकते हो, उसमें दौड़ा सकते हो तालाब के अंदर, जिससे क्या होगा, मछलियाँ एक्टिव होंगी, साथ ही साथ आपके तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी। तो ये 3-4 देसी तरीका है। इसके अलावा अगर अचानक से ऑक्सीजन की मात्रा डाउन होती है तो ऑक्सीजन टेबलेट जो आती है उसको आप भी पर एकड़ आप 15 टेबलेट आसानी से यूज़ करके आप ऑक्सीजन की मात्रा को रोक सकते हैं। तो ऑक्सीजन टेबलेट बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अचानक से अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, खासकर आपकी जब मौसम खराब होता है, जब बादल छाए रहती हैं, तब ऑक्सीजन की मात्रा है वो शॉर्टेज हो जाती है। अचानक से जब तापमान में परिवर्तन होता है,
अचानक से बारिश हुआ, फिर उमस जब बढ़ जाता है तब भी आपने देखा होगा कि मछलियाँ बहुत ज़्यादा मरती हैं। उसका मेन कारण ही है कि ऑक्सीजन का जो कमी है वो अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ऑक्सीजन लेवल। तो उसके लिए भी आपको तालाब में ऑक्सीजन टेबलेट है वो तालाब में डेफिनेटली आपको रखना चाहिए। तो ये 3-4 तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपने तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।